पहले बटर नान बनाने के लिए 2 कप मैदा डाल लीजिए। मैं 2 कप मैदा ही डाल रही हूँ, आपको हाफ ये हाफ आटा डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। और इसमें हम डाल देंगे 1 स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 स्पून बेकिंग सोडा, 1/2 स्पून शुगर, बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और 1 स्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून ऑयल। और 1/2 से भी थोड़ा ज़्यादा कप दही। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले ये जो दही है खट्टी दही नहीं है, अच्छी मीठी दही ही है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हमने। अब इसमें थोड़ा थोड़ा वार्म मिल्क डालते हुए मिक्स करना चाहिए। ये हमारा वार्म मिल्क थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स कर लीजिए और इसको अच्छे से डो बना लीजिए, जैसा आप चपाती का डो बनाते हो उस तरह। अभी आप इस पे थोड़ा सा ऑयल डालकर इस तरह, हमने देखिए कितना अच्छा सा डो बना चुके हैं। थोड़ा इस तरह मिक्स करके चारों तरफ ऑयल लगा के अभी इसको ढककर 45 मिनट्स या 1 आवर रख दीजिए। अभी हमारा आटा रेस्ट करते हुए 1 आवर हो चुका है। मैंने 45 मिनट्स बोला बट मैंने 1 आवर रख चुकी हूँ इसको। अभी हम थोड़ा थोड़ा सा स्मॉल बॉल्स करके ले लेंगे। अभी मैंने इतना सा आटा ले चुकी हूँ। अब इसको हम रोल करेंगे रोलिंग पिन से, ओवल शेप में रोल करेंगे। आपको राउंड में चाहिए तो राउंड में भी शेप बना सकते हो, बट मैं अभी इसको ओवल शेप में बना रही हूँ, बनाकर आपको बताती हूँ। अभी रोल कर लेंगे हम पहले। अभी हमने इसको इस तरह बेल चुके हैं। इसको थोड़ा सा डाल देंगे कलौंजी, मतलब काला तिल, और थोड़ा सा करिएंडर, और इसको ऊपर से एक और बार रोल कर लेंगे ताकि ये स्टिक हो जाए। अभी इसको टर्न कर लेना है फ्रेंड्स। अभी हम पीछे के साइड को वाटर अप्लाई कर लेंगे। जिस तरफ वाटर है उसी तरफ हम पैन पे डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा सा बबल्स आ रहे हैं। बबल्स आने के बाद हमको गैस का फ्लेम हाई कर देना है और इसको इस तरफ अच्छे से पलटा कर सेक लेना है इस तरह। देख सकते हो कितना अच्छे से पक रहा है। देखिए फ्रेंड्स कितना परफेक्टली बन चुका है। अभी इसको ले लेंगे हम एक प्लेट में। देखिए बैक साइड भी कितना अच्छा सा पक चुका है। अभी इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे थोड़ा सा बटर। हमने बटर अप्लाई कर चुके हैं। अभी इसी तरह हम सारे नॉन्स बना लेंगे। जब भी आप ये चपाती बना रहे हो तो आप नॉन स्टिक वाले पैन पे मत बनाइए, इसको आयरन वाले कढ़ाई पे ही बनाए ना। मैं बस इसी के लिए ये यूज़ करती हूँ ये तवा। इसी तरह हमने सारे चपाती बना चुके हैं। ये लॉस्ट वाला चपाती और अभी ये भी रेडी है, इसको भी सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। हमारा बटर नान रेडी है फ्रेंड्स। आप लोग भी ट्राई करिए और मेरे को बताइए कैसा लगा हाँ ये रेसिपी आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट बन चुका है हमारा ये बटर नान।
और सुपर टेस्टी भी रहेगा। आप लोग सब ट्राई करिए और मेरे को बताइए।